रूह को जगाने का काम। देखिए, रूह को अगर शरीर से अलग कर दीजिए तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। आक्रांता ऐसे रहे हैं कि उन्होंने पहचाना है कि भारत की रूह आत्मा कहाँ पे है। किसी भी देश को अगर सांस्कृतिक रूप से आपको विजय प्राप्त करना है तो आप उसकी रूह को, यानी संस्कृति की जो रूह होती है, उसको खत्म कर दीजिए। तो मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनना, यानी रूह को खत्म करने की कोशिश थी। यहाँ के जितने भी स्मारक थे जो हमारे गौरव को बताते थे, उनको नष्ट करना, उनको ध्वस्त करना। देखिए, जितने मुगल आक्रांता या बाहर के आक्रांता थे ना, वो केवल पैसों के लिए नहीं आए थे, वो बड़े क्रूयल थे। पैसों के लिए आए होते तो पैसे धन लेकर के चले गए होते, ऐसा नहीं था। उन्होंने पैसों और धन के साथ साथ ये देखा कि यहाँ के कल्चर को कैसे नष्ट किया जाए, क्योंकि वो बराबरी तो कर नहीं सकते थे। इतना इनोवेशन जो हमने किया था हजारों साल लाखों साल की तपस्या से, उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो बराबरी कर सके। और जब बराबरी करने की क्षमता नहीं होती है तो वो नष्ट करते हैं। सारा रीजन यही है कि बराबरी करने की क्षमता इनके पास नहीं है, तो ये बोलते हैं जी मिट्टी डालो, पर्दा डालो, आगे की देखो। अरे पीछे की क्यों छोड़ दें? आप अपने घरों में अपने बाप दादा 10 पीढ़ी की फोटो लगा के रखते हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां ये बोलती हैं, आप उनके कार्यालय में जाके देखिए, 50 पीढ़ी पहले की फोटोएं लगी होंगी कि हमारे दादा, उन्होंने कहां से शुरू किया था, वो MP थे, MLA थे।